ये पूछ सकते हैं। सर जो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपने क्वेश्चन करवाया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स व्हेन 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सर इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो हमारे पास आ रही थी 10, एंड जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.5। लेकिन सर जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी डेफिनेशन ही ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उनको स्मॉल होना चाहिए, एंड जो प्रोबेबिलिटी है ना सक्सेस की सिंगल ट्रायल में उसे लार्ज होना चाहिए। सो हाउ इट इज पॉसिबल सर, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं और जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो कम आ रही है, तो फिर हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कह सकते हैं? आप कह रही हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है 0.5। ये बहुत लार्ज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल चेक करें आप, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 0.01125। ये स्मॉल है। इवन अगर आप एक डाइस रोल करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है, अगर उसमें कोई एक डिजिट आपने सेट किया हुआ है। लूडो का एक दाना आप रोल करते हो, सर उसमें आप कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, वो भी लार्ज काउंट होती है। स्मॉल प्रोबेबिलिटी वो होगी जो 0.0 समथिंग होगी, ठीक है, या 0.1 समथिंग होगी। अंडरस्टैंड? 0.5 बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 0.5, ओके सर ठीक है, ये स्मॉल प्रोबेबिलिटी नहीं होती। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं वो सारे डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए थी। हम उनमें वेरिएबल जो पुट करते थे वो 1, 2, 3 पुट करते थे, एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते थे, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स था वो डिस्क्रीट नंबर था, ठीक है। अगर हमने कंटिन्यूस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसमें हम आज देखेंगे क्या करते हैं उसमें, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले जो आता है, जो हम पढ़ेंगे, वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता जुलता ही है, दोनों इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर को हम म्यू बोलते हैं, म्यू जो के पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन होता है, और दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा। दो पैरामीटर हैं म्यू और सिग्मा, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट तक हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, हमारे पास एक टेबल होता है, ठीक है। हम अपनी वैल्यूज को सबसे पहले जी में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज होंगी
जो गिवन वैल्यूज होंगी उनको इस फार्मूला में पुट करेंगे जिस पॉइंट तक कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ए होगा, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन होगा, सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी की एक वैल्यू आएगी, उस जी की वैल्यू को हम एक टेबल में से चेक करेंगे जो कि हमारे पास ये होगा, जिस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक में या बाद में कभी टेबल यूज किया होगा लॉगरिथम टेबल, सेम उसी तरीके से ये टेबल है। हम जी का जो आंसर आएगा उसको इस टेबल में से चेक करेंगे, ठीक है, और हम बता सकेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। अगर तो हमने किसी खास पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट से लेकर स्मॉल जितनी वैल्यूज हैं उससे छोटी जितनी वैल्यूज हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है किसी खास पॉइंट से छोटी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, तो हम जस्ट वो पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे एक ही जगह पर, हमारे पास जी का आंसर आएगा, हम उसको टेबल में से चेक करेंगे तो वो हमारे पास उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि उस पॉइंट से छोटी वैल्यूज ये उनकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है, ठीक है। ये हमें जो टेबल है ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बताता है उस पॉइंट तक या उस पॉइंट से छोटी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये कैसे हम चेक करेंगे ये फर्दर पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये जो सी इक्वेशन है इनको जरा देख लें एक दफ़ा कि अगर हमने उस पॉइंट से छोटी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने जस्ट वो वैल्यू टेबल में से देख कर यहाँ पर पुट कर देनी है। अगर हमने उस पॉइंट से बड़ी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन की फाइंड करके, ठीक है, लेस देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे जिस तरह हमने प्रीवियस भी किया हुआ है, ठीक है। और जब हमने किसी दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसी भी दो पॉइंट्स की, हमारे पास इन दो जो पहले दो सिचुएशन हमने डिस्कस की हैं, जो पहली सिचुएशन है उसमें हमारे पास लोअर लिमिट नहीं होती लेकिन अपर लिमिट है, अपर लिमिट हमारे पास होगी तो हम ये ऊपर वाली कंडीशन यूज करेंगे। अगर हमारे पास लोअर लिमिट है अपर लिमिट नहीं है तो हम ये सेकंड सिचुएशन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है और हमने इन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम दो दफ़ा प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, एक दफ़ा जो हमारे पास अपर वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ये फर्स्ट फार्मूला को यूज़ करते हुए, फर्स्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए, माइनस जो लोअर वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू है हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और मैक्सिमम वैसे मिनिमम की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक इंटरवल की वैल्यू जिसमें हमारे पास लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसकी मजीद हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के टेबल हैं, कुछ वैल्यूज आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज माइनस में है, माइनस फोर, माइनस थ्री,
3.9 आफ्टर सोन 0 तक, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये प्लस की वैल्यूज हैं, ठीक है, प्लस 4 से लेकर माइनस 4 तक की तमाम वैल्यूज इन दो टेबल्स में मौजूद हैं। माइनस वैल्यूज का अलग से टेबल है, प्लस वैल्यूज का अलग से टेबल है, ठीक है। हम एग्जांपल करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, द एवरेज डेली जेल पॉपुलेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स इज 70,6242, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन, जेल पॉपुलेशन पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की आ गई। हमारे पास ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमें इस वर्ड की वजह से नहीं पता चला ये पॉपुलेशन है, क्योंकि ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एवरेज पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को ये एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये पॉपुलेशन है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 to 1 4 5। अब ये पॉपुलेशन की बात हो रही थी, पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन बता रहा है और साथ ही उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा हमारे पास 5 to 1 4 5 है। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन अ रैंडमली सिलेक्टेड डे द जेल पॉपुलेशन इज लेस देन 75,000, ठीक है। हमने एक खास पॉइंट से छोटी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन अ रैंडमली सिलेक्टेड डे द जेल पॉपुलेशन इज लेस देन दिस पॉइंट, इस पॉइंट से छोटी है। तो इस पॉइंट से छोटी तमाम वैल्यूज की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन में म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है और वो पॉइंट ए भी गिवन है जहां तक कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज अपने फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला था z इज इक्वल टू ए माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ए हमारे पास 75,000 है, माइनस म्यू हमारे पास 706242 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास 5 to 1 4 5 है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है z इज इक्वल टू 0.84। अब हमने क्या करना है, अपने टेबल्स की तरफ मूव करना है। हमारे पास आंसर प्लस में आया था तो हमने प्लस का टेबल चेक करना है। प्लस के टेबल में 0.8 है और 4 ये है, 0.84 पे वैल्यू आ रही है 0.79955, 0.79955। तो हमारे पास आंसर आया 0.79955, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है।
हमारे पास ये जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है जिसमें से हमने वैल्यूज चेक करनी है। जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 0.84 आंसर आया है। ठीक है, तो हमने 0.84 को इस टेबल में से चेक करना है। 0.8 ये है, प्लस 0.8 और 4 कॉलम हमारे पास है, ये वाला बन रहा है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट पे 0.9955 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उस 75,750,000 से लेस तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0.7995। क्लियर हो गया ये वाला टेबल? आप लोगों को टेबल गिवन होगा या आप लोग पेपर में टेबल ला सकते हो। ठीक है, ये नेट से भी अवेलेबल होगा, वैसे भी जो फोटोशॉप्स होती हैं, फोटोकॉपी शॉप्स, वहाँ से भी ये जी का टेबल आसानी से मिल जाता है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद ये क्लियर होगा। अब इसमें देखें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज हमारे पास पूरी पॉपुलेशन की एवरेज बता रहा है, पॉपुलेशन एवरेज 1028 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 92 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कोर एक्सीड्स 1200। अब हमने 1200 से बड़ी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो पहले मैंने स्लाइड्स भी आपको दिखाया, जो सेकंड सिचुएशन है एक्सीड, लोअर लिमिट हमें मौजूद पता है, हमारे पास मौजूद है, लेकिन अपर लिमिट मौजूद नहीं। इस पॉइंट से बड़ी तमाम वैल्यूज की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन 1028, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 92। जिस पॉइंट से बड़ी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 1200, और हमने 1200 से बड़ी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में हम ये फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, 1200 -1028 / 92। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.87। 1.87 जब हम इसे टेबल में से देखेंगे, 1.87, 1.8 ये है प्लस में, प्लस 1.8 और 7 हमारे पास ये आ रहा है। तो 0.96926 हमारे पास आंसर आ रहा है। 1.8 ये है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 0.96926 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये लेस देन की तमाम वैल्यूज का आंसर होगा, लेकिन हमें ग्रेटर देन की वैल्यूज का चाहिए, तो इसलिए हम 1 में से माइनस करेंगे। 1 -0.96926, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.03074। अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं।
जी सर हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब जी जो है ये बड़ा है या छोटा है, इसे रिपीट करने? इसमें देखें कि आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एक्सीड्स है, एक्सीड्स 1200, मतलब 1200 से बड़ी वैल्यूज। जब भी बड़ी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, किसी पॉइंट से बड़ी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो हम ग्रेटर देन यूज करेंगे। अगर किसी पॉइंट से छोटी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो हम लेस देन यूज करेंगे। और सिंपल प्रोबेबिलिटी जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया, ये वाली सिचुएशन ये लेस देन में है, जी ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको लेस देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है तो आप सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे और वही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर आपके पास ग्रेटर देन की सिचुएशन आ रही है, ये कोई भी वर्ड हो सकता है, ग्रेटर देन भी यहाँ से हो सकता है, ठीक है, नॉट लेस देन भी हो सकता है, ठीक है, आपको बस बस इतना पता चल जाए क्वेश्चन में से कि आपने ग्रेटर देन उस पॉइंट से बड़ी तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उस सिचुएशन में आपने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसको वन में से माइनस करवा देना है। तो वन माइनस दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आंसर। ओके सर, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इस टॉपिक की ये लास्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास द क्रेडिट कार्ड, हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें जो पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन है एवरेज वो 3262 डॉलर्स हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 1100 है। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन, हमारे पास एक इंटरवल आ गया 3000 से 4000 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमारे पास लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई, हमने इन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम ग्रेटर देन वाली सिचुएशन जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, माइनस जो स्मॉलर वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू है हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इन दोनों के वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम ये देखते हैं, ठीक है, जी हमारे पास बी माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, यहाँ पर आप ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं इस सिचुएशन में ए और बी इसलिए यूज कर रहा हूँ, बी डिनोट करता है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और ए डिनोट करता है जो आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम में से हमने म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा किया तो हमारे पास आंसर आया 0.67। अब 0.67 को हम टेबल में से देखेंगे, ये हमारे पास 0.6 और ये हमारे पास 7। 0.67 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.74857, 0.74857। जीरो पॉइंट 74857 हमारे पास लेस देन मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमने मिनिमम पॉइंट जो हमारे पास हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जहाँ पर हमने 4000 पुट किया था वहाँ पे हमने अब 3000 पुट करना है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.24, -0.24। पहले हमारे पास जितने भी केसेस थे उनमें प्लस में प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी जो जी हमारे पास
प्लस में था पहले तमाम केसेस में, अब जी हमारे पास नेगेटिव में है, तो हमने नेगेटिव वाले टेबल में जाना है। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज का टेबल है -0.2 और ये हमारे पास 4 -0.24, तो आंसर आ रहा है 0.40517 40517 ये हमारे पास आंसर आ गया 0.40517। अब हमने क्या करना है कि जो मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी आई उसमें से मिनिमम की वैल्यू माइनस कर देंगे, 0.74857 -0.40517, ठीक है। जो हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जी क्लियर है सब स्टूडेंट्स को?